नमस्कार प्यारे साथियों, कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, तैयारी शुरू करेंगे। उन सभी विद्यार्थियों के माइंड में अभी बहुत सारी, या बात कर सकते हैं बहुत तेज उथल पुथल मची हुई है पटवारी की वैकेंसी को लेकर। कई सारे डाउट्स हैं उनके माइंड में, और आज का ये वीडियो उन सभी के लिए समर्पित है कि इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अंतिम रूप से सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी, बशर्ते कि आप सही तरीके से चीज़ों को फॉलो कर पाएँ, आप मेहनत कर पाएँ। मेहनत के साथ ही कुछ जो चीज़ मैं बताता हूं साथ में, उन चीज़ों को आप फॉलो करें। और यहां पर बात करें, तैयारी रणनीतिक होनी चाहिए, लेकिन रणनीतिक ऐसी कि जो आपका मार्गदर्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पता लग रहा मेहनत इतनी किए जा रही है और मार्गदर्शन सही नहीं है। पूर्व की ओर जाना था, पश्चिम की ओर चल दिए और बोल रहे कि सर हम 500 किलोमीटर चलते चलते आ गए, हमारे पैरों में छाले पड़ गए और हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। तो आपने रास्ता गलत पकड़ लिया है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए, पता करिए कि क्या वास्तव में सही रास्ता है या नहीं, सही रास्ते पर चलिए। हो सकता है 500 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर जाना होता और आपको आपकी मंजिल मिल जाती। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि पटवारी की तैयारी कैसे करें। पटवारी की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर कई बार मैं वीडियोस बना चुका हूं, और आज का ये जो वीडियो रहेगा इतनी डिटेल में मैं कभी चर्चा नहीं किया हूं। लगभग हो सकता है आधे से एक घंटे का ये वीडियो रहे, जिसमें मैं तमाम क्वेश्चंस की जानकारी दूंगा, जिसमें सिलेबस की बात करेंगे, कैसे कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, पहले किस सब्जेक्ट को पढ़े, जितनी भी चीज़ें हो सकती है आपके माइंड में, जितने भी डाउट आ सकते हैं, कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े, पहले क्या पढ़ना है, सारे डाउट आज के इस वीडियो के बाद आपके समाप्त होने वाले हैं। बस अंत तक बने रहना है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बात और मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं कि हमने पंचायती राज का लगभग आधे से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और प्ले लिस्ट में उसके वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिलेंगे, तो अगर आपको पंचायती राज पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि पटवारी की तैयारी कैसे करें। पटवारी की तैयारी कैसे करें, है ना। देखिए, पहली बात तो ये कि जितने भी हो सकता है आज आपके बिलीव्स जो हैं, आपके जो विश्वास हैं, हो सकता है कि वो ध्वस्त होने वाले हों, हो सकता है वो विश्वास टूटे, और हो सकता है आज आपको मेरी बातें बुरी भी लगे कि सर अभी तक हमें जो सही लगता था वो तो आपने गलत साबित कर दिया, जो गलत था वो आपने सही साबित कर दिया। ये जो शब्द है ना, ये देखकर आपको बड़ी ही चिढ़ आ रही होगी अंदर से कि सर ये क्या बात है, क्यों ये टॉपिक लिख रहे हैं, हमें सब पता है कि कैसे तैयारी करना है। तो पटवारी की तैयारी कैसे करें, ये शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा वेटेज रखता है, बहुत महत्वपूर्ण, ये पूरी की पूरी लाइन है, पूरा का पूरा यहाँ पर वाक्य है कि पटवारी की तैयारी कैसे करें। अभी तक आप सुनते आए हैं कि कैसे करें, अभी तक आपने देखा है कि सिलेबस को कैसे कवर करना है, लेकिन यकीन मानिए आज अगर आप इस वीडियो को समझते हैं तो आपको वास्तविकता देखने को मिलेगी। सैद्धांतिक बात मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे मेरी बातें फॉलो नहीं होगी तो क्या मतलब है। व्यावहारिक बात करें, 10 घंटे नहीं पढ़ पाते, अगर कैपेसिटी 8 घंटे की है तो 6 महीने की जगह 8 महीने मेहनत करेंगे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर करेंगे कि हाँ भैया अगर 6 घंटे पढ़ सकते तो 6 घंटे ही हम पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी ही आज रणनीति की बातें होंगी कि पटवारी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात आती है इसके सिलेबस को लेकर। किसी को लग रहा है कि हमें सिलेबस पता है तो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, किसी को लगता नहीं पता है और हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं मिले, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप वास्तव में इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको पटवारी बनना है, तो फिर कुछ भी चीज़ें स्किप ना करें, पूरी चीज़ें देखते चलें। क्या होता, कभी कभी मैं बीच बीच में ऐसी बातें बोल देता हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो इतनी महत्वपूर्ण होगी, जो बातें मैंने लिखी भी नहीं है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुनते जाइए, धैर्य के साथ सुनना है। 5-10 घंटे अगर आप पढ़ने वाले हैं तो 1 घंटा वीडियो देख भी सकते हैं। सुनिए, सबसे पहले बात आती है इसके सिलेबस की, है ना, कि सर इसके सिलेबस में क्या है। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें आते हैं क्वेश्चन 100 प्रश्न इसमें आते हैं,
और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होता है, 1 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होता है। इस प्रकार से 100 प्रश्न के 100 नंबर होते हैं, 100 अंक हमारे यहाँ पर होते हैं। यानी सिलेबस हमारा 100 क्वेश्चन का है जिसमें से 100 अंक आने हैं। अगर मैं सिलेबस में सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले बात आती है जीएस, जिसे मैं लिख सकता हूं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बाद हिंदी, हिंदी के बाद बात करें हम कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ ही अगर हम बात करें तो पंचायती राज, इसका पूरा नाम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। और लास्ट में अगर हम बात करें तो मैथ्स यानी गणित। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। हो सकता है कुछ लोग इन सब्जेक्ट से पहले से परिचित है अगर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हुए आए हैं, और हो सकता है कुछ लोग पहली बार इन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अधिकांश यहाँ पर पंचायती राज को लेकर कहेंगे कि सर हम इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कहना पड़े कि ये जो 5 सब्जेक्ट है या ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बना है पंचायती राज, तो चिंता नहीं करना है, इत्मीनान से समझना है। अगर कोई पहली बार तैयारी करने की सोच रहा है, जिसने जीवन में कभी तैयारी नहीं की, जिसने कभी हिंदी सामान्य ज्ञान कंप्यूटर गणित कुछ नहीं पढ़ा, जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन करके आया है, कंपटीशन की दुनिया में भी उसने अगर पैर रखा है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आज के वीडियो के बाद आपको वो सीखने को मिलेगा जो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसे देकर भी किसी कोचिंग संस्थान में नहीं सीखे। मैं अपने पूरे अनुभव के साथ आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें बड़ी ही काम की लगेगी। और हो सकता है कि बिल्कुल 0 लेवल से कुछ लोग कहेंगे कि सर आज तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया, इतने 0 लेवल से भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पहली बार तैयारी करने की सोचेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई कि 100 प्रश्न बनने हैं इस एग्जाम में, यानी 100 नंबर का ये पेपर है। 100 नंबर का ये पेपर है जिसमें 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट एक समान है। एक समान का मतलब ये है कि कोई सब्जेक्ट बड़ा है, कोई सब्जेक्ट छोटा है, कोई शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और कोई शुरू होगा तो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इस प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पर 5 है। 5 से पहले एक बात समझ लीजिए कि प्रत्येक जो टॉपिक है, इन 5 टॉपिक से आपके 20 प्रश्न बनने हैं। यानी अगर 5 टॉपिक से 20 प्रश्न बनने, तो 20 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं तो यहाँ पर होता है 100 प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक टॉपिक आपका 20 प्रश्न का है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि पहले किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किसे बाद में पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हैं कैसे तैयारी करना है और मेरे ऊपर ही अगर आप विश्वास करके देख रहे हैं, तो मैं आपको वो सलाह दूंगा। 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें कि सर हमारा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, अर्थव्यवस्था पढ़ने में, और पता लग रहा वहां पर 1 भी प्रश्न नहीं आए। वो कोई कहे कि सर हाँ मेरा पंचायती राज हिंदी कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप बताओ सिलेक्शन कैसे होगा। अगर सिलेक्शन के दृष्टिकोण से आए हैं तो फिर इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए हमने क्या समझा कि 5 टॉपिक से हमारे 20 प्रश्न बनने हैं, और 20 एक टॉपिक से प्रश्न बनेगा, तो 5 को मिलाकर 100 प्रश्न बनेंगे, 100 अंकों का यह पेपर रहेगा। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें 100 में से 100 नंबर तो नहीं लाना है, ना ही आ सकते हैं, लेकिन यह भी है कि हमें 80 या 80 के आसपास अंक लाना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को इतने अच्छे ढंग से पढ़ ले, और किसी को सरफेस लेवल पर अगर हम ऊपरी सतह पर भी अगर उसे पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि पहले पढ़े किसको और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी समझ भी तो होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में हिंट देता हूँ। जब मैं सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ, तो सामान्य ज्ञान में वे सभी सब्जेक्ट आते हैं जो आपकी दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। आप दिन रात नाम सुनते होंगे भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी, जिसमें विभिन्न आर्टिकल का आप नाम सुनते होंगे कि
आर्टिकल 4 ये कहता है, मौलिक अधिकार ये कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है, इस आर्टिकल में ये दिया गया है। ये है पॉलिटी, और पॉलिटी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। आप दिन रात सुनते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा हुआ, अकबर के शासनकाल में ऐसा हुआ, या बात करें मौर्य काल में चाणक्य ने ऐसा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ऐसा किया गया था, अशोक के शासन में इस तरीके की बात की गई थी, या अगर हम बात करें आगे की ओर आते हैं तो गवर्नर जनरल के द्वारा ये हुआ, वायसराय के द्वारा ये हुआ, महारानी के द्वारा ऐसा किया गया, 1947 के समय किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ये हमारा सामान्य ज्ञान का हिस्सा है। इसे हम हिस्ट्री कहते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का हिस्सा है। फिर कभी आप सुनते होंगे कि अर्थव्यवस्था में आज ये नीति देखने को मिलती है, आज ये रेट इस प्रकार से देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की, जीडीपी की बात करें, जीएनपी की बात करें, तो जो मुद्रा से संबंधित बातें होती है या समितियों की बातें होती है मुद्रा से संबंधित, वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, वो भी सामान्य ज्ञान में है। फिर हम पर्यावरण की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर हम बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो आपको एक बात समझ में यहाँ पर आती होगी कि सर यहाँ से 20 प्रश्न बनने हैं, और 20 प्रश्न में पॉलिटी भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स भी आ गया, यहाँ पर बायोलॉजी भी आ गया, यानी साइंस भी आ गया, मिसलेनियस वाला पार्ट भी आ गया, सभी चीज़ें इसी में समाहित हो गई, और एक बड़ा सब्जेक्ट एमपीजी के भी इसमें शामिल है, और प्रश्न कितने आएंगे, 20। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इन चारों सब्जेक्ट को एक बार देख लें तो हमें लग रहा है कि इस सब्जेक्ट से छोटे तो ये सब्जेक्ट जरूर होंगे। फिर हम पहुंचते हैं हिंदी पर। जब आप हिंदी को बहुत डिटेल से समझते हैं तो हिंदी में मुख्यतः कुछ ही टॉपिक है, जैसे कि विलोम शब्द याद कर लीजिए, पर्यायवाची याद कर लीजिए, इसके साथ उपसर्ग प्रत्यय को अच्छे से देख लीजिए, संधि देख लीजिए, संधि के साथ ही अगर हम बात करें अलंकार है, रस है, छंद है, और कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। सिर्फ ये 6 या 7 टॉपिक आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपकी हिंदी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बात क्या समझ में आई कि हिंदी में मात्र 6 से 7 टॉपिक थे, 6 से 7 टॉपिक, और सामान्य ज्ञान में 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। दोनों में अंतर समझिए, ये विषय ऐसा है जहां से 20 प्रश्न बनने हैं, और 20 प्रश्न बनने हैं जिसमें 6 से 7 पार्ट है। अगर मैं आपके हिसाब से बात करूं, अभी तक जो आप 12वीं या ग्रेजुएशन में पढ़ते आए, कि 5 से 7 चैप्टर हैं, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 5 से 7 सब्जेक्ट हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट छोटा है। लेकिन अभी हम स्ट्रेटजी की तो बात कर नहीं रहे, अभी तो हम सब्जेक्ट को ही समझ रहे हैं। फिर हम पहुंचते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में देखते हैं कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जान लिया, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जान लिया, फिर हमने मेमोरी के बारे में जाना, और मेमोरी से क्वेश्चन देखे कि यार मेमोरी का एक चार्ट आता है उसे समझ लीजिए, वहां से प्रश्न बन जाएंगे। फिर हम पहुंचे यहां पर पावर पॉइंट से प्रश्न बनेगा, MS Word, MS Excel। इसके साथ ही कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न बनने हैं, यानी केवल 9 से 10 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे पूरे कंप्यूटर में जहां से 20 प्रश्न बनने हैं। तो आपको फिर समझ में आया कि यहां पर सब्जेक्ट थे 6 से 7 और यहां पर 9 से 10 टॉपिक है, इसका मतलब ये भी छोटा सब्जेक्ट है। फिर बात आती है पंचायती राज की। पंचायती राज तो चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है चीजें, आपको बातें समझ में आ ही जाती होगी कि पंचायती राज कितना सरल है, कब है जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। बहरहाल ये एक मजाक की बात है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज में आपको 10 से 12 टॉपिक देखने को मिलेंगे। 10 से 12 टॉपिक भी जब जब मैं पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि पंचायती राज में क्या है, जो पंचायती राज वाला टॉपिक है इसमें केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं विशेषकर नगरी शासन इसलिए पढ़ाता हूं कि प्रश्न वहां से बनते हैं। आपके सिलेबस में नगरी शासन नहीं है, आपके सिलेबस में केवल पंचायतों से संबंधित बातें हैं। नगरी शासन की कुछ बातें मैं इसलिए बताता हूं, नगरी शासन का मतलब मेरा यह है कि मध्य प्रदेश में नगरी शासन और नगरी शासन दोनों में अंतर है। नगरी शासन हम इंडिया लेवल से देखते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में इस नगरी शासन केवल मध्य प्रदेश के नगरों से संबंधित बात है।
तो 10 से 12 टॉपिक पंचायती राज के हैं, जिसमें पंचायती राज के आपको 4 से 5 टॉपिक मिलेंगे और अन्य जो टॉपिक है वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मिलेंगे। बड़ा सरल है ये सब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ गया कि 10 से 12 टॉपिक हैं। अगला है मैथ्स, तो मैथ्स से भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर सही ढंग से देखें, कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स को बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म के हिसाब से बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध का एक सिद्धांत आपको और मुझे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, वो सिद्धांत है मध्यम मार्ग वाला सिद्धांत। आप सभी ने बुद्ध के बारे में सुना होगा कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, मध्यम मार्ग वाला जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का मतलब यह है कि ना तो ज्यादा अति होनी चाहिए और ना ही ज्यादा अल्प या न्यून होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अति कर बैठते हैं। अति का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करते। कभी कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, और कभी कभी बिल्कुल डिप्रेस्ड होते हैं। तो बेहतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये जो बीच का रास्ता है, ये सबसे अच्छा रास्ता है, इसे हम बैलेंस लाइफ भी कहते हैं। तो गणित की अगर हम बात करें, तो कुछ लोग तो गणित से डर कर अति कर देते हैं, कुछ इससे बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल न्यूनतम वाले हिस्सा। तो इससे हमें बैलेंस देखना है। वास्तव में देखा जाए तो गणित के लगभग 30 से 35 टॉपिक है। 30 से 35 ना माने तो 25 तो मानकर ही चलिए कि गणित में इतने टॉपिक तो हैं। और अभी हम यहां पर टॉपिक की ही बात कर रहे हैं, तो अभी हमने क्या देखा, इसको समझने के बाद हम स्टेट जी की बाद में बात करेंगे, अभी केवल इसके बारे में समझिए कि हमें एक बात समझ में आ गई कि यार ये जो बीच के तीन सब्जेक्ट है, इन तीन सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को अगर हम मिला दें तो गणित बन रहा है ना। नहीं समझा आप बात को। 6 से 7 टॉपिक थे हिंदी के, 9 से 10 टॉपिक थे कंप्यूटर के, और 10 से 12 टॉपिक थे पंचायती राज के। तो अगर हम ऐड भी करते हैं सभी को, अधिकतम भी मानकर चलते हैं, यहां पर है 12 और यहां पर है 10, 12 और 10 मिलकर होते हैं 22, 22 और 7 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 22 और 7 होता है 29। और गणित के टॉपिक अगर हम न्यूनतम भी बात करें, अधिकतम को ना जोड़े, तो ये है 30 टॉपिक, 30 टॉपिक। यानी हिंदी, कंप्यूटर और पंचायती राज के टॉपिक या सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएंगे जब जाके आपको गणित का एक सब्जेक्ट खत्म करना है। यहां तक बात समझ में आई? और गणित जैसे 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे जब आपको सामान्य ज्ञान खत्म करना है, और सामान्य ज्ञान कभी खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि हर चीज, हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। इसमें करंट अफेयर्स भी आपको देखना पड़ेगा, है ना, समसामयिक की घटनाएं भी आपको देखनी पड़ेगी, चाहे हम नेशनल या इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश, इन सभी से संबंधित जो समसामयिक की घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है, इसको भी देखना होगा। तो यहां से अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं, तो अब देखिए निष्कर्ष को हम निकालते हैं। हमें क्या समझ में आया कि कुछ भी हो, अगर हमें सिलेक्शन लेना है और हमें 80 के आसपास अंक लाना है, 75 से 80 अंक अगर हमें लाना है, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये तीनों सब्जेक्ट बड़े ही छोटे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसका नाम है हिंदी, कंप्यूटर और पंचायती राज। कहने का मतलब, अगर हम इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें तो हमें पता है कि हमारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी 60 अंक हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ कहेंगे कि सर हमारे, मान लेते हैं, दो दो अंक यहाँ से कट होते हैं, हमारे दो दो अंक नहीं मिल पाते हैं, हम कितनी भी मेहनत करें हमारे पूरे से पूरे अंक नहीं आए। तो मैं मानकर चलता हूँ अगर हम तीनों में दो दो अंक माइनस कर दें, तो यहाँ पर 6 अंक हम माइनस करें तो 54 अंक यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। 54 क्वेश्चन आप इन तीनों में सही कर सकते हैं, हिंदी, कंप्यूटर और पंचायती राज। यहाँ तक की बातें स्पष्ट है? तो कहने का मतलब ये है, पहले इस बात को समझिए, अब थोड़ा सा सीरियसली मेरी बात को समझना, कि हिंदी, कंप्यूटर और पंचायती राज ये तीनों सब्जेक्ट बहुत छोटे हैं। पटवारी वास्तव में बनना है अगर आपको, कुछ लोग ऐसे भी हो रहे होंगे जो अन्य वैकेंसियों का भी एग्जाम देंगे, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मैं केवल जो सही बात है उसको बता देता हूं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे ख्याल से पहले इसको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है और यहाँ से अंक अधिकतम खींचे जा सकते हैं। कंप्यूटर और हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो 20 में से 20 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आप ला सकते हैं। इन दोनों में 40 अंक, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 18 18 अंक भी प्राप्त किए, तो
तो 18 तिया 54 अंक यहाँ पर तीनों में से प्राप्त हो जाएंगे। किसी में 19 आ गया, किसी में 17 आ गया, किसी में कम हो गए, इस टाइप से हम बात कर रहे हैं। तो पहले अब बात आती है इन तीनों में से पहले क्या पढ़े। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें औसत इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर या तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं, कंप्यूटर चलाने में और समझने में, पढ़ने में बड़ा कठिन है और चलाने में बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंप्यूटर है इस सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ को पूर्णतः इंटरेस्ट होगा। तो जिन्हें कंप्यूटर में पूर्ण इंटरेस्ट है वो पहले कंप्यूटर शुरू करें, और जिन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो पहले हिंदी पढ़ना शुरू करें। यहाँ तक की बात समझे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप एक सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। हमारा माइंड हमेशा कुछ नई चीज़ें देखते रहता है, हमारे माइंड को हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे तो मन कहेगा नहीं यार बोर हो गए। तो आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है। आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो साथ में आप या तो हिंदी पढ़ लीजिए या पंचायती राज पढ़ लीजिए, ये विकल्प आपके पास है। आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो अगर हो सकता है कंप्यूटर आपको टफ लगता है, कंप्यूटर में आपका मन नहीं करता, तो पंचायती राज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर पंचायती राज का सोर्स, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको शुरुआत से अंत तक की चीज़ें मिलेगी। क्लासेस रेगुलर चलती है, शाम को 6:15 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। पंचायती राज की बेसिक से बेसिक बातें समझ में आएगी, वहाँ से पहले वीडियो से शुरू करना है। जो क्लासेस अभी अपलोड हो रही है उसे भले ही मत देखिए, लेकिन पहली जो क्लास है उसे जरूर देखिए, वहाँ से ही शुरू कीजिए। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। यानी जो कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर रहा है उसे या तो हिंदी या पंचायती राज, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट साथ में पढ़ना है। जो हिंदी शुरू कर रहा है उसे अगर कंप्यूटर पसंद नहीं है तो वो पंचायती राज पढ़ सकता है। अब बात ये आती है कि सर कितने सब्जेक्ट एक साथ पढ़े। तो पहली बात, एक सब्जेक्ट एक दिन में कभी भी ना पढ़े। अगर आपके पढ़ने का तरीका अलग है, अगर आप लगातार अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपका माइंड यहाँ पर विरोध नहीं करता आपके प्रति कि नहीं मुझे एक सब्जेक्ट से कोई समस्या नहीं, तो एक सब्जेक्ट पढ़िए। अन्यथा अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई शुरू करने वाले हैं तो फिर आप 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़िए। फिर बात आती है अधिकतम एक दिन में कितने सब्जेक्ट, तो अधिकतम 2 सब्जेक्ट ही पढ़िए। उसके पीछे क्या कारण है, हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है जब हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, जैसे जब आपका हिंदी और कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक अचीवमेंट वाला भाव आएगा, आपको लगेगा यार मैंने कुछ ना कुछ तो कंप्लीट किया। आपको लगेगा 40 नंबर का सिलेबस यानी 40% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो माइंड फिर काम करना शुरू करेगा कि जल्दी से मैं 20 नंबर का भी कंप्लीट करूँ और 20 का कंप्लीट करूँ। लेकिन जब आप 3 सब्जेक्ट को मान लेते हैं एक साथ पढ़ने लगेंगे तो चूंकि कम कम चीज़ें आप पढ़ पाएंगे तो समय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर माइंड बोर होने लगेगा, फिर नया चीज़ चाहिए। तो जब 2 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो पाएंगे, आप चीज़ों को ज़्यादा पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप तीनों के 2-2 पेज पढ़ रहे हैं तो तीनों के मिलाकर 6 पेज आपने एक दिन में पढ़े। वहीं अगर आप 2 सब्जेक्ट के 6 पेज पढ़ते तो कहीं ना कहीं रेशो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी के भी 3 पढ़े, कंप्यूटर के भी 3 पढ़े, पहले आपने 3 के 2-2 पढ़े थे। तो जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो 3रे पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ तक की बातें स्पष्ट हुई। क्या बातें स्पष्ट हुई कि पहले हमें हिंदी या पंचायती राज, कंप्यूटर या हिंदी या पंचायती राज, इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट कोई से भी शुरू करना है। यहाँ तक स्पष्ट है। अगला फिर बात आती है कि सर जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। तो आपको क्या करना है, सामान्य ज्ञान और गणित, इन दोनों में सबसे पहले आपको मैथ्स कंप्लीट करना है, और मैथ्स कंप्लीट करने के बाद फिर आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है। ये मैं आपको वास्तविक बात बता रहा हूं, आपको आज भरोसा नहीं होगा, जब आप एग्जाम देंगे तब बातें समझ में आएगी। सामान्य ज्ञान यानी जीएस का कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप कितना ही प्रयत्न कर ले, कितने ही पढ़ ले, अगर आपका तुक्का नहीं लगा हो तो वो सही नहीं हो सकता। हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी सीमित है, तो इस एनर्जी को वहां पर लगाना है जहां से हमें प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिले। सही मायने में देखा जाए तो नीचे के 4 सब्जेक्ट से ही हमारे 80 अंक पूरे हो सकते हैं अगर हम अच्छे से मेहनत करें। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि 3ों से आपने 54 अंक प्राप्त किए। अब अगर यहां पर आप बात करें हम
गणित और सामान्य ज्ञान की बात करें तो गणित में मान लेते हैं अगर आप 15 अंक और सामान्य ज्ञान में भी 15-15 अंक लाते हैं तो तीनों को मिलाकर अगर हम 54 में 15 और 15 30 ऐड कर देते हैं है ना, तो यहां पर हो जाता है 84 अंक। और 84 अंक लाना कहीं ना कहीं आपकी सफलता को निश्चित करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सामान्य ज्ञान और गणित को सबसे बाद में पढ़े। क्यों? क्योंकि जीएस में आप कितना ही पढ़ ले 20 में से 20 लाना मुश्किल है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी मेहनत अगर आप जीएस में करेंगे तो उससे बेहतर है कि इन तीनों सब्जेक्ट या चारों में कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी बात को समझाऊं तो पहले क्या करना है, इन तीनों में से किसी दो को पढ़ना है, फिर गणित को शुरू करना है, फिर सामान्य ज्ञान को पढ़ना है। यहां तक बातें आपको स्पष्ट हो गई। अब आपके कुछ जो डाउट है उनको भी हम क्लियर करते हैं। पहली बात ये आती है कि सर कितने घंटे पढ़े, तो कितने घंटे पढ़े या कैसे पढ़े, इन दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी देह उपस्थित होती है और हमारा मन और कहीं हो जाता है। कितनी दार्शनिक बात कही मैंने, कहने का मतलब यह है कि हमारा शरीर उपस्थित होता है, हम बैठे हैं चेयर पर हमारे टेबल के पास और हमारा मन और कहीं पर लगा हुआ है। हमारा मन लगा है कि यार समोसा खा लिया जाए, यार कचौरी खा ली जाए, काश वहाँ पर होता तो ये चीज़ खा रहा होता, वहाँ पर ये देख रहा होता, ये घूम रहा होता। कहने का मतलब हमारा शरीर उपस्थित है और मन कहीं और लगा है। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो भले ही 10 घंटे पढ़े कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है 5 घंटे पढ़े लेकिन पूर्णता मनोयोग से पढ़ते हैं, अपने पूरे मन से पढ़ते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो दो प्रश्न है, कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार तैयारी करने की शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी बातें कड़वी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से तो अभी आप पीछे हैं जो तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, तो अब मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। लेकिन जब आप शुरुआत में मेहनत करना शुरू करेंगे तो आपका माइंड आपका बहुत विरोध करेगा कि रहने दो यार, इतना नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, इस माइंड को हैंडल करने के लिए इसे एक बच्चे के समान समझिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत में अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो पर्याप्त है। शुरू दिन 2 घंटे पढ़िए, अगले दिन थोड़ा सा बढ़ाइए, 5 मिनट बढ़ा दीजिए, 10 मिनट बढ़ाइए, उसके अगले दिन 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, धीरे धीरे 15-20 दिन में नॉर्मल आप 5 से 6 घंटे पर पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत वाले अगर आप विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे, दोनों बातें अलग है। पहली बार पढ़ने वाले अगर आप हैं तो आपको 2 घंटे से शुरू करना है। और आप ऐसे विद्यार्थी जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आपको अब पटवारी की तैयारी करना है तो फिर आप भले ही 6 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अगर आप पहले वाले विद्यार्थी हैं तो आपको 2 घंटे से पढ़ना शुरू करना है या 3 घंटे से पढ़ना शुरू करना है, पहली कंडीशन तो ये रहेगी। दूसरी बात ये रहेगी कि सर कितने घंटे पर जाकर रुकना है, तो इसका तो कोई नियम नहीं है, आप कैपेसिटी बढ़ाते जाइए, जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। लेकिन बात ये भी आती है कि कितने समय में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हर एक के माइंड की कैपेसिटी भी अलग है। कोई व्यक्ति एक दिन में 15 पेज पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति 5 पेज ही पढ़ सकता है। तो अपने माइंड को समझिए और पूरे सब्जेक्टों को एक बार देख लीजिए। आपका माइंड खुद गवाह दे देगा कि कितने दिनों में मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। आपका माइंड कहे 5 महीने और आपको लगे कि यार 5 महीने ज़्यादा हो रहा तो मेहनत थोड़ी बढ़ा दीजिए। आपका माइंड कहे 3 महीने तो अगर आपको लगे कि हाँ पर्याप्त समय है, इतने टाइम में 3 महीने में मेरा जो सिलेबस है वह कम्प्लीट हो सकता है, तो बखूबी बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। लेकिन फिर आप कहेंगे कि सर घंटे तो बता दीजिए, कितने घंटे पढ़ना होगा। तो साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं, अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं है तो अभी की अगर मैं बात करूं, आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई से भी विद्यार्थी हैं, अभी अगर आपको तैयारी करनी है तो पूर्णता अगर आप मन से तैयारी करते हैं, मन से मतलब ये कि देह अगर उपस्थित है तो मन भी वहीं पर है, वो मन अगर वहीं पर है और आप ध्यान आपका पूरा दे पा रहे हैं तो कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें 6 घंटे पढ़ाई करना है, 2 घंटे रिवीजन करना है, 3-3 घंटे 2 सब्जेक्ट को पढ़े, उन दोनों का 1-1 घंटे में रिवीजन करना है, साथ में टेस्ट देते रहिए, पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते रहिए। और कुछ भी अगर आपके डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।